नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ काबुली चने के छोले। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। इन छोलों को दोस्तों हम भटूरे, पूड़ी, कचौड़ी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। दोस्तों, इसके लिए मैंने सबसे पहले काबुली चने लिए हैं। इसको मैंने रात में भिगो दिया था और अभी इसको मैंने दो चीज़ें लगाकर उबाल लिया। इसको मैंने उबाल कर रख दिया है और इसमें आज इसमें पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने दो प्याज लिए हैं, एक थोड़ी लहसुन लिया है, अदरक का एक टुकड़ा लिया है और दो टमाटर लिए। और इसको आगे मैंने नमक और ये मिर्च सब्जी मसाला है और ये मिर्च है गर्म मसाला है, लाल इलायची, काली मिर्च, दालचीनी जो भी आपके पास होती है और एक बड़ा प्याज मैंने लिया है। अब सबसे पहले मैं दोस्तों प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाने जा रही हूँ। दोस्तों, मैंने लहसुन, प्याज और टमाटर का पेस्ट मिक्सी में डालकर पीस लिया है और ये मैंने अदरक, लहसुन और गरम मसाले का भी पेस्ट बना लिया है। तड़के के लिए मैंने ये प्याज काट ली है और मैंने यहाँ पे लाल किसी मिर्च अलग से नहीं लिया है, लेकिन अगर आप लोग कड़वा खाना पसंद करते हैं तो आप लोग अलग से लाल मिर्च ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं गैस की तरफ। अब दोस्तों, मैंने कुकर चढ़ा दिया है और अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ चटपटे। Yeah.
बढ़िया प्याज देके उतना ही बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा छोले बनेगा। छोले के गाढ़ा बनाने के लिए प्याज ज्यादा ही लगेगा। इधर मैंने थोड़े से चने रोक लिए हैं, इसका मैं इनसे थोड़ा सा पेस्ट बना लूंगी। इसको फोड़ने से जो है हमारा जो है छोला बहुत गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ी देर 5-7 मिनट भूनते हैं। जब हमारा मसाला अच्छे से एक छोड़ने लगेगा तब मैं इसमें डाल दूंगी। स्टार्ट। देखिए यहाँ पे 5-7 मिनट हो गए हैं, छोला हमारा प्रोसेस भून चुका है और इससे बहुत ही अच्छी अब इसमें मैं 2-3 सीटी आने के बाद इसको उतार दूंगी। दोस्तों अब हमारी 3-4 सीटी आ चुकी है, अब मैं इसको नीचे उतारने जा रही हूँ गैस पर से और आपको खोल के दिखाने जा रही हूँ। मैंने इसकी विशेष निकाल दी है, अब मैं इसको खोल रही हूँ। एक से दो को कितना बढ़िया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और अगर रसा चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी।